नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। मां जयंती को समर्पित है ध्वज मंदिर। मां काली व मां भद्रकाली से पूर्व मां के जिस स्वरूप का शब्दों के माध्यम से स्मरण किया जाता है वह नाम है जयंती, अर्थात मां जयंती। और मां जयंती से ही शुरू होता है मां का एक सुंदर मंत्र, जयती मंगला काली भद्रकाली कृपाणिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते, अर्थात जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा और स्वधा। इन नामों से प्रसिद्ध मां जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार है। और दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्त्रोत का ये पहला श्लोक है। इस मंत्र के बारे में कहा गया है, यह मंत्र सर्व सौभाग्य को प्रदान करने वाला है। इसमें आदि शक्ति मातेश्वरी के 11 नामों का स्मरण होता है। इनमें 11 नामों में माँ का प्रथम नाम है जयंती, अर्थात जयती सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति जयंती, सबसे प्रमुख एवं विजयशालिनी सर्व सौभाग्यदायिनी। माँ जयंती का भव्य दरबार कहाँ पर स्थित है, इस विषय पर आज हम अपने दर्शकों के सम्मुख इस दुर्लभ एवं खोज परक कार्यक्रम के माध्यम से प्रकाश डाल रहे हैं। माँ जयंती की महिमा अनंत व अगोचर है। जनपद पिथौरागढ़ के आंचल में माता जयंती का भव्य दरबार पवित्र पहाड़ी की चोटी में स्थित है। जनपद मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय के पश्चात आगे 5 किलोमीटर की दुर्गम चढ़ाई चढ़ने के बाद माँ जयंती के भव्य भवन के दर्शन होते हैं। जिस चोटी पर माता का मंदिर विराजमान है वह पर्वत शिखर पिथौरागढ़ जनपद की सबसे ऊंची चोटियों में एक है। यहाँ से चारों ओर की पर्वत मालाओं का नजारा बड़ा ही भव्य दिखाई पड़ता है। दूर दूर तक फैले पर्वतों के शिखर इस चोटी के सामने बहुत ही छोटे प्रतीत होते हैं। समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर को ध्वज मंदिर भी कहते हैं। माँ जयंती को समर्पित इस मंदिर से थोड़ा पहले एक अद्भुत गुफा है, जिस गुफा में भगवान शंकर एक भव्य अलौकिक स्वरूप में पिंडी के रूप में विराजमान हैं, जिन्हें खंडेनाथ के नाम से भी पुकारा जाता है। शिव और शक्ति की ये पावन भूमि सदियों से युगो युगो से पूजनीय है। स्कंद पुराण के मानस खंड में यहाँ का सुंदर वर्णन मिलता है। इस स्थान की महिमा के बारे में जब ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, ध्वज पर्वत की स्थिति, तीर्थ स्थान, नदियों का उद्गम एवं वहाँ के स्थित शिवलिंगों के महात्मन्य का वर्णन करें। ध्वज पर्वत कहाँ पर स्थित है, उस पर आरूढ़ होने का क्या फल है, वहाँ किन देवों की पूजा होती है। ऋषियों के इस प्रश्न पर व्यास जी ने उत्तर दिया, मुनिवरों, राम गंगा की बाई ओर पावन पर्वत है, उसके दक्षिण में ध्वज पर्वत है, उसका शिखर उन्नत है, अनेक धातुओं और औषधियों से वह प्रदीप्त है। सिद्ध विद्याधर यक्ष आदि के परिवारों से वह पर्वत वेष्टित है। दिव्य धातुओं की इसमें सहस्त्रशा हानि है। हिमालय को नमस्कार करता हुआ ये ध्वजा की तरह स्थित है। श्यामा की तीरवासी सिद्धों और चित्र सेनादि गंधर्वों से सेवित है। इस पर्वत पर विशेषता सिद्धों एवं विद्याधर गणों का वास है। यहाँ चतुर्दशी के दिन आरूढ़ होने पर कामनाएं पूर्ण होती हैं। पूर्णिमा के दिन जागरण करने से आठों सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। शनि प्रदोष के दिन वहां जाने पर कुछ भी शेष नहीं रह जाता। सर्व सिद्धि दायक एवं धन धान्य वर्धक ध्वजेश का महात्मन्य बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि इस स्थान पर गणनायक विकुंभ ने भगवान शंकर की ध्वजा धारण की है। ध्वज की आकृति के रूप में उन्नत शिखर पर ध्वजेश शिव विराजमान है। उनका पूजन न करने पर दुख संभावित रहता है। कनेर के फूलों से ध्वजेश का पूजन करने पर सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ध्वजेश के अतिरिक्त कोई अन्य देव अभीष्ट सिद्धि दायक नहीं है। इस पर्वत पर औषधियों का विशाल भंडार बताया जाता है। इस स्थान से एक प्रसन्न नामक वैश्य की कथा भी जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार वह धार्मिक जितेंद्रिय मितभाषी और अतिथि पूरक था। उसी के समान उसका पुत्र सत्य धर्मा भी बड़ा शिव भक्त एवं सत्यनिष्ठ था।
समय के चक्र में एक बार उसे दरिद्रता ने आघेरा। वह अपनी पत्नी समेत निर्जन वन में आ गया। यहाँ एक शिव योगी से उसकी भेंट हुई। दोनों शांभ सदाशिव का ध्यान करते हुए ध्वज पर्वत पर पहुँचे। शिव एवं शिव शक्ति की कृपा से उन्हें यहाँ अलौकिक सिद्धियाँ प्राप्त हुई। ज्ञात हुआ कि चतुर्दशी को ध्वजेश का पूजन करने पर मानवों को अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य एकाकी ध्वजेश का पूजन कर रात्रि जागरण करता है, उसे सिद्धि प्राप्त होती है। ध्वज क्षेत्र की महिमा का बखान करते हुए स्कंद पुराण के मानस में महर्षि व्यास जी ने लिखा है, ध्वज के दाहिनी और ध्वजा गुहा है और वहां शंकर का पूजन करके गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। फिर ध्वज के पूर्व भाग में सिद्ध गुहा है, वहां सिद्धेश का पूजन कर सिद्ध जलों से स्नान करने पर गूंगापन दूर होता है। ध्वज पर्वत से नंदा, जर्मणवती तथा सत्यवती, ये तीन नदियां निकलती हैं। इनका जल पीने से गोदान का फल मिलता है। ये तीनों नदियां काली नदी में मिलती हैं। नंदा और जर्मणवती के मध्य चरमेश का पूजन कर शिवलोक प्राप्त होता है। नंदा में स्नान कर ध्वजेश का पूजन करने से धन लाभ होता है। उसके पश्चिम भाग में कालिका का पूजन तथा कालिका जलों में स्नान कर शिवलोक प्राप्त होता है। ध्वजा के पश्चिम में कालापी नदी है, उसमें स्नान करने से गंगा स्नान का फल मिलता है। उसके मूल में महादेवी और शंकर का पूजन होता है। तब बला नदी और कालापी का संगम होता है, वहां बलेश शंकर का पूजन होता है। यहां की विराट महिमा को लेकर अलौकिक गाथाओं का भंडार है, जिसे पुराणों में विस्तार के साथ पढ़ा जा सकता है। माँ जयंती को समर्पित इस पावन स्थल की महिमा कुल मिलाकर अपरंपार है। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर माता का यह मंदिर सदियों से आस्था और भक्ति का संगम है। दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पर माता की आराधना करके अपने आराधना के सजा पुष्प महामाया के चरणों में अर्पित करते हैं। यह माँ परम कल्याण को स्वरूप प्रदान करने वाली है, परम वैभवता को प्रदान करने वाली है। माँ का यहाँ बड़ा ही भव्य स्वरूप है, बड़ी ही अद्भुत यह घाटी है, बड़ा ही अद्भुत यह पर्वत है। इस पर्वत पर दूर दराज क्षेत्रों से भक्तजन यहाँ पधारते हैं, आज हमारे बीच में यहाँ पहुँचे हैं पिथौरागढ़ शहर के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ओंकार बिष्ट जी। ओंकार बिष्ट जी यहाँ पहुँचे हुए हैं, आइए मिलते हैं इनसे। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस क्षेत्र में कब कब आते हैं? मैं लगभग आते रहता हूँ यहाँ पे, जैसे संडे हो गया और जब भी मेरे को मौका मिल पाता है, जब भी माता की कृपा होती है तब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ दरबार पे। अच्छा, पिथौरागढ़ शहर से यहाँ की दूरी लगभग कितने किलोमीटर हो गए? लगभग अगर हम गाड़ी में आएंगे तो हमको कुछ 2 घंटा लगता है आने में। अच्छा, और अगर हम पैदल ट्रैक करते हुए आते हैं तो यहाँ पर कुछ 210-270 के आसपास सीढ़ी माँ के पास आने के टाइम का समय लगता है। अच्छा अच्छा, पैदल तो खैर काफ़ी है मार्ग। अच्छा, कुल मिलाकर के यहाँ मेले वगैरह कब कब आयोजित होते हैं? आप तो आते रहते हैं यहाँ, जरा बताएंगे? मेले वगैरह आयोजित होते रहते हैं, जैसे ये नवरात्रि पे जी जी जी, और उसके बाद समय समय पर लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम वगैरह आते हैं। अच्छा, हमारा क्षेत्र भी हमें कभी बच्चों को पिकनिक के तौर पर भी लाते हैं, ताकि बच्चे भी संस्कृति से जुड़े हैं और उनको भी आस्था का थोड़ा सा ज्ञान हो और माँ के बारे में वो थोड़ा बहुत जाने। अच्छा, बहुत सुंदर ये स्थान है, लेकिन ये जयंती मंगला, आप संस्कृति से भी जुड़े हैं तो ये बताइए कि ये माता जयंती शिखर पर स्थित है, माता मंगला की स्तुति किस रूप में आई है दुर्गा सप्तशती में? ये दुर्गा सप्तशती में एक कवच आता है, जैसे हमने सुना होगा, यद गुह्यम परमम लोके सर्व रक्षा करम निर्णाम, ये हमारी जो है सभी तरह से रक्षा करती है, सारे शत्रुओं का विनाश करती है। इसमें पूरा श्लोक आता है, जैसे हम नवरात्रियों पे आता है, सबसे पहला आता है, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति षष्ठम कात्यायनीति च सप्तमम कालरात्रिति महागौरी चाष्टमम नवमम शुद्धिदाति च नवदुर्गा प्रकृतीर्थ उक्तानि एतानि नामानि ब्रह्मणे महात्मानि, कि ब्रह्मा से ब्रह्मा के नाम है, या अगर बोलेंगे तो ब्रह्मा से हम इसको जोड़ सकते हैं, और शिव का ही ये रूप माने जाती है माँ काली का, और
जितने भी प्रकार से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं जी जी अतुल्य और बहुत ही प्राचीन और अत्यधिक सुंदर मंदिर इसको मैं कह सकता हूँ। चलिए ओंकार विष्णु जी, आपने अपना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जयंती माता मंगला के मंदिर से पहले यह अद्भुत गुफा है। इस यह गुफा प्राचीन काल से भगवान शंकर के शिव भगवान शिव की यहाँ आराधना होती है। भगवान शंकर का यहाँ वास माना जाता है और कल्याणदाता भगवान शंकर इस गुफा के भीतर विराजमान हैं और भक्तों को बड़े ही अलौकिक स्वरूप में दर्शन देते हैं। इस क्षेत्र के आस्थावान भक्त हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु जी आपका शुभ नाम? राम अवतार। राम अवतार गिरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। गुरु जी यहाँ के महात्म्य के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ के शिव जी जो हैं जी जी, तो ये तीन खंड हैं। अच्छा तीन खंड हैं। अच्छा इधर जब जाएंगे आप तो महिषासुर मर्दनी के रूप में भी यह माता पूजी जाती है, जैसा कि गिरी जी महाराज जी ने बताया। और इसके अलावा यहाँ पर भगवान शंकर के धड़ की पूजा होती है। धड़ की पूजा होती है। तो यह भगवान शिव के तीन भाग हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा ही पावन स्थल है, बड़ा ही दिव्य स्थल है और योगियों के लिए और ध्यान लगाने वालों के लिए तो यह स्थान मनोवांछित फल को प्रदान देने वाला है। और गिरी जी हमारे बीच में उपस्थित है। आपका सुनना गुरु जी? पुष्कर सिंह जी आप हमारे बीच में। गुरु जी आपका सुनना? संभालीपाल जी आप भक्त लोग हमारे साथ उपस्थित रहे, आप लोगों ने हमारा मार्गदर्शन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह चोटी जो है पिथौरागढ़ की मैं समझता हूँ सबसे ऊंची चोटियों में एक है। बहुत लंबा सफर तय करके हम यहाँ तक पहुंचे। आप देख सकते हैं चारों ओर कोहरा है, जहाँ तराई भाग में इसमें गर्मी से लोग व्याकुल हैं, वहीं पहाड़ की इस चोटी पर हर लोग जैकेट पहने हुए हैं। हम लोगों को भी ठंड लग रही है, हालांकि हम जैकेट नहीं लाए, लेकिन यह स्थान अपने आप में भव्य है, अपने आप में दिव्य है, अपने आप में अलौकिक है। राष्ट्रीय न्यूज चैनल के लिए मैं रमाकांत पंत ध्वज शिखर माता जयंती मंगला के चरणों से। अभी के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। अगर आप रहना चाहते हैं हर वक्त अपडेटेड, देखते रहिए लाइव टीवी समाचार।